Hello everyone, welcome to GoPrep. My name is Anurit. I am physics teacher at GoPrep. So, आप लोगों ने GTSC का स्लॉट 2 दिया है. How was it? कैसा गया आप लोगों का एग्जाम? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा. आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा. स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो इस डिस्कशन के बाद आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन विद फिजिक्स सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. What is the, which of the following is not true for a particle moving in circle with constant angular speed? अब constant angular speed का मतलब क्या है? Omega क्या होता है? Angular speed होता है ना? Angular speed का relation linear speed के साथ अगर हम देखें तो क्या है? V into R. Omega is equal to V into R. तो अगर constant angular speed है, मतलब constant velocity का magnitude है, या फिर speed क्या है? Constant है. So that means आप लोगों का एक्सेलरेशन, सॉरी कौन सा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड कॉन्स्टेंट होता है. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है. वेलोसिटी क्या होता है? टेंजेंशियल. ओनली वन कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज देयर, दैट इज टेंजेंट. और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है. और फोर्स कैसे लगती है? फोर्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियल, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. तो एक्सेलरेशन क्या है? रेडियल है. और वेलोसिटी क्या है? टेंजेंशियल है. मतलब एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर एंड वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, है ना? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है अपने पास. आपने को बताना था नॉट ट्रू क्या है. वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट, करेक्ट. एक्सेलरेशन इज टेंजेंट, नॉट करेक्ट, राइट? सो नॉट करेक्ट मतलब ये अपना आंसर है बी. सो व्हाट अबाउट द सी ऑप्शन? क्या वो भी इनकरेक्ट है क्या? No, velocity vector points to the center of the circle. That is correct. Velocity and acceleration are perpendicular to each other. This is also correct. क्योंकि velocity is along tangent and radius के along क्या है? Force है. That is acceleration है. दोनों के बीच में angle कितना होगा? 90 degree. So this was moderate types question, है ना? आप लोगों का सही हुआ होगा मुझे लगता है. 50% लोगों का तो at least सही हुआ होगा. So let's move to the next question. So due to an impact, the change in momentum of the body is this. So delta p given है हमें. That is 1.8 kg meter per second. If the duration of the impulse is given to you, impulse क्या होता है? Impulse हम बोलते हैं change in momentum को impulse बोलते हैं. और impulse क्या होता है? F into t. Change in momentum is equal to क्या होता है? Force into time. कहाँ से आता है? Delta p by t. Newton के second law से आता है. Delta p is equal to F into t. So this is impulse. So impulse is given to us और duration of impulse given है, मतलब time given है. पूछा क्या है? Force पूछा है. What is the force because of which ये change in momentum आया? तो force कितना आया? Force कितना आएगा? 1 upon 1.8 upon 0.2 newton. That is 9 newton. So correct answer is A. So let's move to the third question. So here it is. Neutral electroscope is touched with a negatively charged rod. तो neutral है मतलब कोई charge नहीं है उसके ऊपर. ये electroscope है, इसके ऊपर कोई charge नहीं है. Electroscope क्या करता है? चार्ज हम क्या देखते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं है. तो हम इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हैं फाइंड करने के लिए. तो नेगेटिवली चार्ज रॉड है, उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप से टच करेंगे तो क्या होगा? बेसिकली कुछ इसका चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. यहां पर टच करेंगे ना, तो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? यहां पर. इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो कौन सा चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सेम चार्ज आता है इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो वाला चार्ज हम चार्ज बॉडी को टच करते हैं. ठीक है, सो आंसर इज बी, ग्रेट. फोर्थ क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, आपको बताना है कि कौन सा मिरर है जिसमें ये इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉसिबल है, है ना? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज क्या है? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है. तो कनकेव भी वर्चुअल इमेज बनाता है. वर्चुअल तो हमेशा इरेक्ट ही होती है. कॉन्वेक्स भी बनाता है, प्लेन भी बनाता है. प्लेन तो हमेशा ही वर्चुअल बनाता है ना. बट जो कॉन्वेक्स की वर्चुअल होती है वो स्मॉलर इन साइज होती है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. और ये कैसी होती है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. और ये कैसी होती है? सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये तो हम डेली यूज करते हैं. और कनकेव मिरर कहाँ पे यूज करते हैं? कनकेव मिरर यूज करते हैं शेविंग के लिए. कॉन्वेक्स कहाँ पे यूज करते हैं? कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर्स होते हैं जो गाड़ियों में, है ना? उसमें जो गाड़ी होती है पीछे वाली वो छोटी दिखाई देती है ना, तो वर्चुअल इमेज उसमें क्या होती है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है. तो लेट्स सी किस में पॉसिबल हो सकता है. ये तो तीनों में पॉसिबल है. साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो करेक्ट आंसर क्या है अपना? यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था. आपका आंसर क्या आना चाहिए? सी. और थर्ड थिंग इज,
लेटरल इन्वर्जन की बात कर रहा है, वो भी कहां पे? प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है, राइट? सो आंसर सी इज करेक्ट आंसर. ग्रेट, दिस वॉज नॉट सो टफ. सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. अ वुडन टेबल ऑफ मास गिवन टू यू लाइंग ऑन अ टेबल. लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम. टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है? वुडन टेबल ऑफ मास लाइंग ऑन द फ्लोर. दिस इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर. इसका मास कितना है? इसका मास है 100 kg. मैन पुशेस द टेबल विद फोर्स. मैन इसको पुश कर रहा है टेबल को 100 newton से टू द राइट. राइट डायरेक्शन में पुश कर रहा है. ओके, इस डायरेक्शन में 100 newton फोर्स लग रहा है. अनदर मैन टेंड्स टू स्टॉप द टेबल. मतलब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अनदर मैन आके 200 newton का. और फ्रिक्शन भी लग रहा है फ्लोर का 80 newton. फ्रिक्शन के बाद में आते हैं, पहले देखते हैं कि नेट फोर्स कितनी लगेगी. एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है? नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है. अगर फ्रिक्शन को भूल जाए हम, तो किस डायरेक्शन में लगेगी? टूवर्ड्स लेफ्ट लगेगी. कितनी लगेगी? 100 newton लगेगी. तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगी. फ्रिक्शन क्या करती है? रिलेटिव मोशन को अपोज करती है. तो ये 100 newton की वजह से टेबल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना चाहता है. तो फोर्स का क्या क्या काम है? उसको लेफ्ट ना जाने देना. तो वो क्या करेगा? टेबल को राइट डायरेक्शन में पुल करेगा. कितनी फोर्स लगाएगा? बेसिकली 80 newton फोर्स लगाएगा. तो अभी 80 newton से वो उसको रोक तो पाएगा नहीं फ्रिक्शन. तो नेट फोर्स किधर लगेगी? राइट लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी. कितनी? 100 - 80, दैट इज 20 newton. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट विल मूव टुवर्ड द लेफ्ट विथ 20 newton फोर्स. एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज बी. ग्रेट. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सर्फेस इन टू डिफरेंट ऑरियंटेशंस. तो ब्लॉक को, सेम ब्लॉक है, मतलब मास सेम है ब्लॉक का, वेट सेम है, वेट इज सेम, राइट? और सरफेस इन कांटेक्ट का जो नेचर है वो भी सेम है. नेचर ऑफ द सर्फेसेस भी सेम है. क्या चेंज किया आपने? एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज किया. यहाँ पे कम एरिया के साथ कांटेक्ट है, यहाँ पे ज्यादा एरिया में कांटेक्ट है. तो आपको बताना था कि फ्रिक्शन का क्या सीन है. फ्रिक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा? फ्रिक्शन दोनों केसेस में सेम होगा. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एम जी, ऐसे बोल लो. या फिर फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? ओके, फॉरगेट अबाउट दिस. फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन डिपेंड करता है वेट ऑफ द बॉडी के ऊपर. मतलब कितना हार्ड एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं सर्फेसेस. और दूसरा फैक्टर क्या होता है? नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. जब ये दोनों सेम है तो इन दो फैक्टर्स के अलावा फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता किसी और चीज पे. तो ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता. तो फ्रिक्शन क्या रहेगा? दोनों केसेस में होगा, सेम होगा. तो आंसर, करेक्ट आंसर इज सी. दैट्स ऑल फॉर फिजिक्स. आई होप आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे या फिर 100% क्वेश्चन सही होंगे इन फिजिक्स. ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स डिस्कशन ऑफ केमिस्ट्री नाउ. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोप्रेप. My name is Pragya Mishra and I am your chemistry faculty. So I hope आप लोगों ने GTSE का एग्जाम बहुत अच्छे से दिया है. आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन की और बहुत अटेंशन के साथ क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया. सो आज हम जानेंगे केमिस्ट्री में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो था, दैट वॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग हाइड्रोजनस मिक्सचर, कोलॉइड एंड मिक्सचर. सो बच्चों, हम सभी को पता है कि मिक्सचर इज कैटेगराइज इंटू होमोजेनस मिक्सचर एंड हाइड्रोजनस मिक्सचर. देन हाइड्रोजनस मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू कोलॉइडल सोल्यूशंस एंड सस्पेंशंस. सो अब देखिएगा यहां पर क्या है बच्चों, कोलॉइड इज अ सबसेट ऑफ हेट्रोजिनस मिक्सचर एंड देन हेट्रोजिनस मिक्सचर कम्स अंडर द मिक्सचर. सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके एग्जाम में दैट वॉट कंजिस्ट ऑफ सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सो बच्चों, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, विच इज स्मोक पार्टिकुलेट्स दैट कंजिस्ट ऑफ सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सो द करेक्ट आंसर इज स्मोक. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. मयंक इज स्टडीइंग द एक्शन ऑफ हीट ऑन अ पॉलीमर एंड फाउंड दैट द पॉलीमर एक्स गेट्स हार्डेंड ऑन क्यूरिंग. What could be the polymer X? देखिए बच्चों, we have four options: neoprene, butana, and nylon 6, 6 and bakelite.
सबसे पहले तो बच्चों व्हाट काइंड ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर जो है आपके वो किस टाइप का पॉलीमर है जिसकी एक प्रॉपर्टी दी गई है दैट गेट्स हार्डन्ड ऑन क्यूरिंग. सो बच्चों क्यूरिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द पॉलीमर्स बाय एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पर, एंड बाय द एक्शन ऑफ हीट और सूटेबल रेडिएशन. मीन्स आप एक पॉलीमर को ट्रीट कराते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर एंड बाय द एक्शन ऑफ हीट और सूटेबल रेडिएशन. सो बच्चों दिस प्रॉपर्टी जो है द हार्डनिंग ऑफ पॉलीमर्स दैट कम्स अंडर द थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. तो जो हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं बच्चों दे पजेस सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. नाउ आउट ऑफ दीज बैकेलाइट, बैकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द इरिवर्सिबल एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस. सच पॉलीमर्स हार्डन ऑन क्यूरिंग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज बैकेलाइट. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट. सो देयर मे बी पॉसिबिलिटी मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपर ऑक्साइड टर्न्स द रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू. नॉन मेटल ऑक्साइड्स टेंड टू बी बेसिक इन नेचर एंड सम ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. देखिए बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दैट मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. मेटल आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ओके मेटल ऑक्साइड्स आपके होते हैं बेसिक. दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक बिकॉज दे रिएक्ट विद वॉटर to form bases. So copper is a metal, it will react with oxygen to form its corresponding oxide which will be basic in nature and it will turn red litmus solution to blue. So this option is correct. But this is not correct because non-metal oxides tend to be basic in nature. No bachche, those are acidic in nature, right? Non-metal oxides are acidic in nature. But yes, सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे कि आपका क्रोमियम, दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक होता है बच्चों विच शोज बेसिक एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज, बोथ द प्रॉपर्टीज आर शोन बाय देम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट. Acid rain is harmful to agriculture. It causes respiratory ailments in human beings and animals. Acid rain damages buildings and other structures made up of stone and marble. Acid rain is caused by the excess of hydrogen sulfide in the atmosphere. So, bachcho, yes, that is very correct. Acid rain is harmful to एग्रीकल्चर. बिल्कुल सही है आपका ये, बिकॉज एसिड रेन डिक्रीजेस द पीएच. ये क्या करती है बच्चों, पीएच को डिक्रीज कर देती हैं जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है दैट बिकम्स हार्मफुल टू प्लांट्स. ऑल्सो इट कॉजेज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड द एसिड्स प्रेजेंट इन द एसिड रेन डिग्रेड द मार्बल एंड द मैटर, दस इट इज हार्मफुल टू बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स मेड अप ऑफ metals. So that is also correct. Acid rain is caused by the excess of hydrogen sulfide in atmosphere. Nahi bacho, that is not the right one because acid rain is caused by the oxide of nitrogen and sulfur in the atmosphere. So the correct answer is option C. Chaliye move karte hain next question ki taraf. In the chemistry lab there was an unidentified salt of potassium. Okay, Ram mixed the solution of lead nitrate to the solution of X and obtain the precipitate of yellow color, identify X. हमें पता लगाना है कि which salt was that. So बच्चों देखिए potassium, lead nitrate के साथ आपकी reaction हो रही है. So we will write lead nitrate. And yes बच्चों
जब आपका लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो लेड आयोडाइड का येलो कलर प्रेसिपिटेट मिलता है। चलिए देखते हैं क्या है रिएक्शन। सो व्हेन इट विल रिएक्ट इट विल फॉर्म, देखिए ये है आपका लेड नाइट्रेट, इट्स रिएक्टिंग विद द पोटेशियम आयोडाइड, सो दिस विल फॉर्म लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, सो दिस विल बी द रिएक्शन। ओके नाउ लेट्स ओके, सो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। नाउ अब देखिए बच्चों, लेड आयोडाइड ये आपका देता है येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज पोटेशियम आयोडाइड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ केमिस्ट्री टीचर इंस्ट्रक्टेड थ्री स्टूडेंट्स पी क्यू एंड आर टू प्रिपेयर अ सस्पेंशन ऑफ सेंड इन वॉटर, सस्पेंशन ऑफ सेंड इन वॉटर। देखिए बच्चों आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको क्वेश्चन में ही हिंट्स मिल जाएंगे सो दैट यू कैन लीड टुवर्ड्स द आंसर। नाउ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सस्पेंशन इन द फॉलोइंग मैनर, स्टूडेंट पी प्लेसेस फाइन क्रिस्टल्स ऑफ सेंड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन एडेड वॉटर, स्टूडेंट क्यू प्लेसेस सेंड इन वॉटर एंड देन शेक्स द मिक्सचर विग्रसली, ओके एंड देन स्टूडेंट आर प्लेसेस सेंड इन द वॉटर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स हैज अ करेक्ट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। देखिए बच्चों द करेक्ट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वॉट हैपन्स, लाइक सेंड डज नॉट डिजॉल्व इन वॉटर एट ऑल, वी नो दैट राइट। सो टू फॉर्म अ सस्पेंशन इन वॉटर we should first of all add sand in water and we have to observe what is happening. What happens after some time, sand settles down, why? Under the influence of gravity. So the mixture is supposed to stirred for some time to ensure the uniform dispersion of sand into the air. So the correct is done by the student Q, which is option B. So this is the correct answer, which is student Q, option B. Okay? So these were the questions of chemistry, dear students. Now let's discuss the questions of biology. Hello everyone. I hope आपका GTSC का exam बहुत अच्छा हुआ होगा and you find the questions interesting too. So I am Abha Pandey here with you guys to discuss the biology questions. Okay? And I know as you guys are very much curious to know the answer. So let us start discussing the question. So the first question in the biology part was the pair that belongs to the group of organism both showing 70S ribosome in the cytoplasm. So the 70S ribosome is present in, as you all know, the 70S ribosome is present in prokaryotic. So अब आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड दैट अमंग द ऑप्शंस विच वन आर प्रोकैरियोटिक। सो इफ यू टॉक अबाउट मॉस, इज इट प्रोकैरियोटिक? नो, इट्स यूकैरियोटिक। ईस्ट अमीबा, दे आर यूकैरियोटिक। पेनिसिलियम, स्पाइरोगायरा, दे आर यूकैरियोटिक। बच्चा द बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा, द नोस्टॉक विच इज अ ब्लू ग्रीन एल्गे, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। ये जो बच्चा नॉस्टॉक है ना, वो क्या है, वो ब्लू ग्रीन एल्गे, दैट इज इट इज ब्लू ग्रीन एल्गे, वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज साइनोबैक्टीरिया। दे बोथ आर प्रोकैरियोटिक विच मीन्स दे हैव 70S राइबोसोम इन देयर साइटोप्लाज्म। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, ईस्ट फंगाई, अमीबा, प्रोटोजोआ, पेनिसिलियम फंगाई, स्पाइरोगायरा एल्गे, मॉस प्लांट, एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गे। तो बच्चा अब हमें यहाँ से समझ में आ गया, केवल यही हैं जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, विच मीन्स दे आर प्रोकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स हैव 70S राइबोसोम इन देयर साइटोप्लाज्म। आई होप आपका ये आंसर करेक्ट था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वीड ऑन क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। नाउ देयर आर fourth points given, they interfere in harvesting, they help crop plants to grow healthy, they compete with crop plants for water, nutrient, space and light, and they affect plant growth. So you have to select the combination of statement, okay, that is
ओके आपको इसमें से चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है आपको वो फाइंड करना है. सो इफ यू टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली वीड्स आर, आपको वो पता होना चाहिए कि वीड्स क्या है. द वीड्स आर, यू गाइज नो, दे आर अनवांटेड प्लांट्स. ठीक है, दे आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप. सो व्हाट दे डू, दे इंटरफेयर. ठीक है, वो उससे कंपीट करती हैं. सपोज ये हमारा क्रॉप है, ये हमारा मेन क्रॉप है, ये हमारा मेन क्रॉप है, इसके साथ बच्चा क्या होता है, कुछ अनवांटेड क्रॉप्स भी आके ग्रो करने लग जाती हैं. सो दे कम्पीट, दे विल कम्पीट फॉर फूड, दे विल कम्पीट फॉर वाटर, फॉर स्पेस, फॉर लाइट एंड एवरीथिंग. अगर वो उससे कम्पीट कर रही है तो उसका लाइट ले रही है, उसका न्यूट्रिएंट ले रही है, ओब्वियसली दे विल अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ. और अगर प्लांट के साथ साथ वो बच्चा ग्रो कर गई तो दे विल अफेक्ट द, दे विल इंटरफेयर विद द हार्वेस्टिंग टू. सो द करेक्ट, बट डू दे हेल्प plants to grow healthy? No, they do not. It means option, the point C, the point second is incorrect and all the others are correct. So the correct answer is option A. Moving to the next question, the question is saying the dramatic change in body features associated with puberty are mainly because of the secretion of which hormone? So if we talk about after, like at the time of puberty, we found a dramatic change. For example, in boys, moustache, the development of moustaches, beard. ठीक है, हमारे वी फाउंड अ स्पर्ट इंक्रीज इन अ हाइट, सडन इंक्रीज होता है हाइट में, वेट में, एंड वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल. सो दीज आर द ड्रामेटिक चेंजेस. वो बोल रहा है कौन से हॉर्मोन की वजह से होता है बच्चा, तो चेंजेस आर बिकॉज ऑफ द सेक्स हॉर्मोन्स, एंड द सेक्स हॉर्मोन्स आर एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन. एस्ट्रोजन इज इन द फीमेल कंपैरेटिवली एंड टेस्टोस्टेरोन इज इन द मेल. सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड फोर्थ. सो विच ऑप्शन सपोर्ट दिस? द ऑप्शन डी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Moving to the next question, example of weedicides. So what are weedicides? Weedicides are the chemicals. What are weedicides? They are the chemical which kills the weeds. जो हमारे unwanted plants होते हैं ये इनको kill करते हैं, they kill the weeds. So इसमें से बच्चा weedicides कौन सा है? 2,4-D is a weedicide and all the other are pesticides जो कि pest को kill करते हैं. So the correct answer is option A. Moving to the next question, you have to just fill it up. Kingdom, division or phylum, then next, then next, then next. आपको hierarchical category बतानी है कि इसके बाद कौन सी आएगी, कौन सा taxon आएगा. So बच्चा kingdom, phylum, class. So here comes the class. Okay, then आपका बच्चा क्या आएगा? Then here comes the family. Okay, order, family, genus. Then comes the species. So आपको ये याद होना, याद होगा तो you will mark it very clearly. So कौन कौन सा है? Class, family, species is the sequence. So class, family, species is the sequence. So the correct answer is option A. Moving to the next question. The question is saying Andrew is a researcher on the Safe Coral Initiative. Which phyla must be his speciality? मतलब वो कौन से फाइला के बारे में पढ़ रहा होगा इफ ही इज एसोसिएटेड विद सेफ कोरल. एज यू गाइज नो द कोरल्स दे बिलोंग टू नाइडेरिया. जितने भी कोरल्स होते हैं द बिलोंग्स टू द नाइडेरिया, द फाइला नाइडेरिया और द फाइला सिलेंट्राटा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रा सेल्यूलर. व्हाट डू मीन बाय इंट्रा? विद इन द सेल. Compartments are not found in the cells of. So, bacha, intracellular compartments are basically the cell organelles, the membrane-bound cell organelles jo hote hain, wo hote hain. So, aapko bola jara, are not found in the cells of. You all know that the prokaryotes do not have membrane-bound cell organelles. It means they do not have intracellular. Cell ke andar isme koi compartment nahi hai. For example, if this is a cell, there is a compartment to perform one function, to perform another. But प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं है. दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप आपके मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट हुए होंगे. सो नाउ यू कैन डिस्कस द मैथमेटिक क्वेश्चंस. ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक. हे दोस्तों, तो हम अपने मैथ्स के पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो होपफुली सभी बच्चों का बहुत ही प्यारा हुआ होगा ये पेपर.
ठीक है, मैथ्स तो सबका फेवरेट होता है ना यार। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, और हम पेन दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो अच्छे से। तो x नेगेटिव, यार ये होती ना नेगेटिव x वाले पॉइंट्स होते हैं ये सारे, और इधर पॉजिटिव y वाले पॉइंट्स होते हैं। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव ऐसा पॉइंट यहाँ पर होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब हुआ कि x की जगह माइनस वन मैं इसमें डाल दूं तो ये जीरो होना चाहिए। ठीक बात है, तो x की जगह आप इसमें माइनस वन एक बार डाल के देखिए तो ये जीरो होना चाहिए, k इंटू माइनस वन है तो k तो इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू टू, टू आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसके फैक्टर ये दोनों हैं तो k की वैल्यू क्या है। अच्छा, फैक्टर का मतलब है कि x इक्वल टू माइनस वन डालू या थ्री डालू, दोनों पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। आप कुछ भी डाल लो, मैं तो थ्री डालता हूँ, चलो बड़ा नंबर डालता हूँ, हम कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा थ्री के इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री स्क्वायर। ठीक है, तो k आ जाएगा वन माइनस थ्री मतलब माइनस टू, माइनस टू इज द आंसर। ठीक है ना यार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनल नंबर बोला है, याद रखना इसे। ठीक है, तो रूट टू की वैल्यू कुछ कुछ 1.414 के करीब होती है, रूट थ्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होती है 1.732। रेशनल नंबर, ये तो इरेशनल नंबर लग रहे हैं दोनों के दोनों, एक यही आंसर लग रहा है डी 1.5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पता है पाई एक इरेशनल नंबर है एंड दैट इज नेवर इक्वल टू 22/7। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो भी सिर्फ दो डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू 22/7 के इक्वल होती है, और ये रेशनल नंबर है ना, 22/7 इज अ रेशनल नंबर, और पाई और 22/7 इक्वल नहीं होते हैं, ये सिर्फ इसका अप्रोक्सीमेशन होता है वो भी टू डेसिमल प्लेसेस तक। तो पाई तो इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हो गया 26। कौन सा पॉइंट इसमें नहीं लाई कर रहा है। अब आप पॉइंट्स डाल डाल के देख लो, है ना। पहला पॉइंट डालो, वाई की जगह थ्री डालोगे, एक्स की जगह सेवन डालोगे, सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है। सेकेंड पॉइंट डालो, वाई की जगह माइनस वन डालोगे, एक्स की जगह वन डालोगे, सेकेंड डाल रहा हूं मैं, ए डाला मैंने, बी डाला हूं, माइनस फाइव सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है। थर्ड पॉइंट डालोगे, इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट डालोगे, है ना। तो आई होप कि पांचवा पॉइंट है जो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, हम डायरेक्टली मैं पांचवा पॉइंट डाल के दिखाता हूँ यार, एक एक कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हो यार। ठीक है, तो ये माइनस टेन माइनस फिफ्टीन और ये फिफ्टीन बराबर नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जो लाई नहीं करता है मतलब सेटिस्फाई नहीं करता है। फैक्टराइजेशन कर देंगे यार, कितनी बड़ी बात है। माइनस कॉमन ले लो यहाँ पर और इसे ऐसे लिख लो, और माइनस है 24y प्लस y हो जाएगा, है ना, माइनस थ्री। यहां से 8y कॉमन आ गया, y माइनस थ्री, वन कॉमन आ गया, y माइनस थ्री। तो ये माइनस y माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3-y इंटू 8y प्लस वन। ऐसा कोई ऑप्शन है यार, ये है ना बी ऑप्शन है शायद, ऐसा है ना जी। ओके, 28 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। 750 में टी शर्ट उसने खरीदी एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब इसी के 20% प्रॉफिट में हमने क्या करा, बेच दिया। ठीक है, तो ऐसे तो निकालते हैं ना परसेंट यार। तो 150 रुपए ज्यादा में उसने बेची, तो कितना सेलिंग प्राइस क्या हो गया, यही हो गया ना, कितना हो जाएगा यार ये 50 जोड़ा 800 900 रुपए हो जाएगा यार ये। ठीक है, तो 150 रुपए प्रॉफिट में उसने बेची, 900 रुपए में उसने बेची। ठीक है, अच्छा, एफ इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला होता है ना, क्या मालूम है सभी बच्चों को ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ वर्टेक्स वाला, ये वाला फॉर्मूला, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू टू, क्या ये फॉर्मूला मालूम है सभी बच्चों को। ठीक है, ये हो गया फेसेस, वर्टेक्स, वर्टिसेस, एजेस। ठीक है, तो ये भी 5 दे रखा है, ये भी 5 दे रखा है, ई निकालना है, तो 10-2 8 आ जाएगा। ठीक है, एजेस जो होंगी वो 8 होंगी किसी भी पॉलीगन में। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, तो ये फॉर्मूला पहले से आना चाहिए इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल डज नॉट हैज इट्स डायगोनल परपेंडिकुलर। डायगोनल सिर्फ दो ही फिगर में परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्वायर में परपेंडिकुलर होते हैं और एक रोम्बस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब रोम्बस तो नहीं होगा आंसर, स्क्वायर ये इन दोनों में तो होते ही है परपेंडिकुलर। पैरेललोग्राम में, अच्छा काइट में भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, है ना, काइट में भी हमारे परपेंडिकुलर होते हैं ना, हाँ सही बात है, हाँ हाँ। तो सी इज द आंसर, है ना, पैरेललोग्राम में नहीं होते, पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर नहीं होते। ठीक है,
हाँ जी ये वाला क्वेश्चन आ गया। 1225 का रूट आपको पता होना चाहिए और 25 का रूट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1225 का रूट सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जो कि आपने कैलकुलेशन 35 का स्क्वायर होता है ना, तो अगर यहाँ पॉइंट लगा दो 3.5 आ जाना चाहिए, और 25 होता है 5, तो 0.25 हो जाएगा 0.5, है ना, 0.5 का स्क्वायर होगा, तो 3.5 प्लस 0.5 इज 4 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं आप लॉन्ग डिवीजन वाले स्क्वायर रूट मेथड से ही इसे सॉल्व करते हो, ठीक बात है, लॉन्ग डिवीजन वाले स्क्वायर रूट मेथड से ही आप इसे सॉल्व करते हो। तो 7 + 7 = 14, अब हमें यहाँ पे 4 आई थिंक लिखना पड़ेगा, तो 144 × 4 इज लाइक -576 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 131। अगर ये नहीं आता, यहाँ पे 000 आता तो हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये आ गया, तो ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं अपने पुराने नंबर में से तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सही है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, बात सही है। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बात सही है। अब इसको तो मैं बिना सोचे समझे गलत बोल सकता हूँ ना, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड 0, नहीं ये गलत है, ये तो है ना, यही इकलौती बची है गलत है, ठीक है। चलो 34 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये 34 क्वेश्चन यार, ये हमें रखा है द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इन द रेशियो 3:4 और उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच की 12 है, एरिया हमें दिया है, ठीक है। तो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो मान लिया कि 3x और 4x है पैरेलल साइड्स हमारी, इस तरीके से मान लिया, ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, ये कितना दे रखा भाई 630, ठीक है, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां से हम अब x कैलकुलेट कर लो, इससे x कैलकुलेट करो, आई थिंक 15 आ जाना चाहिए, तो छोटी जो है वो आपका 45 हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना यार अपने आप से, 35 आ गया, कितने डायगनल्स होते हैं। अच्छा डायगनल्स का फॉर्मूला वैसे तो परम्यूटेशन से मेरे को ये याद है, ऐसा होता है, ठीक है। वैसे एक फॉर्मूला ये भी होता है n n-3/2, जहां तक मेरे को याद है, हेक्सागन में n होता है 6, नंबर ऑफ साइड 6 होती है, ठीक है, तो 6 6-3/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 × 3 9 9 डायगनल्स होते हैं हेक्सागन, नंबर ऑफ साइड्स n है, तो ये फॉर्मूला होता है n n-3/2, ठीक है, ठीक है, तो याददाश्त होनी चाहिए इसके लिए। मल्टीपल ऑफ 9 कब होगा यार, 2 1 y 5, जब 2 + 1 + y + 5 9 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 9 होगा, तो ये क्या हो गया 3 और 5 8 8 + y y 1 हो सकता है, ये सही है, 0 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, सिर्फ 1 पे ही वो 9 का मल्टीपल होगा, है ना, तभी सही बात है। चलो 37 आ गया, ये हो गया 2 + √2 + 1/2 + √2, ठीक है, इसको 2 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, एक काम तो ये कर सकते हो, तो हो जाएगा 2 + √2 + 2 - √2 / अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये जाएगा 4 - 2 / 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 + √2 + 2 - √2 / 2, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 37 क्वेश्चन को यार सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो मुझसे नहीं आपने सॉल्व कराना है, तो आप ना वैसे तो यार एक और काम आप इसमें कर सकते थे, अभी तो आपको ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं आपको एक और बात बोलना चाहूंगा, मुझे जहां तक लग रहा है करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि मैं डायरेक्टली एलसीएम अगर ले लेता तो शायद ज्यादा अच्छा मेरे को पड़ता, ठीक है, डायरेक्टली एलसीएम ले लेता तो 4 + 2 + 6 + 7 + 2 √2, ठीक है, ये आता अपॉन में आता 2 + √2, अब मैं ऐसे 2 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, थोड़ा गायब हो जाता हूं मैं, अब मैं ऐसे ऊपर नीचे 2 - √2 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 2 और ऊपर आ जाएगा 2 - मतलब आंसर ही आ गया यार इसका आंसर। अच्छा इसमें क्या है, माइनस आ रहा है ना, इसमें सी नहीं आ रहा है, इसका ए आंसर आएगा, ठीक है, प्लस आ रहा है ना यहाँ पे, 7 + 4 √2 आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं बात, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में है, क्यूबॉइड का डायमेंशन कुछ दे रखा है 60,
54, 30, मतलब LBH बोलते हैं ना जैसे हम, तो हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 6 सेंटीमीटर, पहले तो वॉल्यूम बताओ इसका कितना होगा, इतना होगा, ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम, है ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब क्या होगा, 1 क्यूब का वॉल्यूम होगा 6 क्यूब। अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दें, है ना, ये छोटे वाले क्यूब, तो उतने नंबर ऑफ क्यूब नहीं आ जाएंगे हमारे, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मैं, उतने नंबर ऑफ क्यूब नहीं आ जाएंगे हमारे, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आप इसे सॉल्व कर लेना यार, ठीक है, तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिएगा, या मैं ही कर देता हूँ यार थोड़ा, 6, 6, 6, ठीक है, आसान लग रहा है सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ मैं, है ना, 9 आ रहा है, 6 5 30 आ रहा है, 9 5 45, 450 आ रहा है मेरा, ठीक है, बिल्कुल सही है यार जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में, जिसमें हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 100 और बोला है डिस्काउंट है हमारा 20% का, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अच्छा मान लिया एक्स उसका मार्केट प्राइस था, उस पर 20% का डिस्काउंट है, मतलब एक्स माइनस 20x/100। अच्छा मैं भी तो आ जाऊं आपके सामने, मैं क्यों गायब हो रखा हूं, इज 100, ठीक है, तो x हमें निकालना है, तो यार ये क्या हो जाएगा, इसे वैसे ही सॉल्व कर लो आप, ऐसे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा ये 1/5 हो जाएगा ना, तो ये जाएगा 4/5x हो जाएगा ना, 4/5x इज 100, तो ये हो जाएगा 25 × 100, 25 × 5 = 125 होना चाहिए उसका मार्क्ड प्राइस, ठीक है, 20% डिस्काउंट के बाद उसका 100 प्राइस है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया, ये कितना मुश्किल है ना, 2 की पावर 0 होता है 1, 3 की पावर -1 1/3 into 3² मतलब 9, ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9 + 3 = 12, तो ये तो टफ मोस्ट क्वेश्चन था, सही बात है ना, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस मैथ पेपर। अब हम अपने एप्टीट्यूड की तरफ आगे बढ़ते हैं। Hey guys, welcome to slot 2 solution, slot 2 discussion of aptitude portion. So far we have discussed the science section and math section, so I hope sahi bachcha paper acha hua ho. So in this part slot 2 ka hum aptitude section karenge. Now if you are one of those students jinhone abhi tak GTSC nahi diya, then you can definitely appear in the slot 3 of GTSC, and with that let's get going with the solutions of aptitude portion. I hope sahi bachcha ka paper acha gaya ho. जरूर मुझे कमेंट्स में बताना कि हाउ इज योर पेपर, एंड विद दैट लेट्स गेट टू इट। सो फर्स्ट 40 क्वेश्चंस दे वर ऑफ साइंस एंड मैथ सेक्शन, एंड द लास्ट 10 क्वेश्चंस आर फॉर एप्टीट्यूड, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो 41st क्वेश्चन अगर देखिए तो शोल्डर का आपको कुछ कोडिंग दे रखा है, बॉक्सिंग का कोडिंग दे रखा है, एंड वी नीड टू फाइंड द कोडिंग फॉर बॉन्ड। सो वी डू नॉट नीड टू फाइंड एनी रिलेशन ओवर हियर। एच का मतलब देखो यहां से निकल जाएगा, एच इज द सेकंड लेटर ओवर हियर, एच सेकंड लेटर है, तो H का मतलब क्या है, H is J, H is simply coded as J, O की कोडिंग क्या है, O is coded as S, similarly R is coded as Z and N is coded as P, N की कोडिंग है P, तो क्या आ गया J S Z P, that's option A, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर A, fine। Next question, at what time between 8 and 9 will the hands of clock be together? Very famous question, very common question, बनते हैं ऐसे टाइप के। तो अगर आप देखोगे initially अगर मैं बात करूँ at 8 pm, अगर 8 बजे की हम बात करें तो इस time इन दोनों hands के बीच में there is 240 degree का angle, ठीक है, मतलब कि minute hand को 240 degree का angle cover करना है। Now if you know कि यार hour end क्या कर रहा है, एक घंटे में 30 degree cover करता है, एक घंटे में 8 to 9 वो 30 डिग्री जाएगा, दैट मींस इन वन मिनट इट कवर्स 0.5 डिग्रीज। सिमिलरली दिस इज फॉर आवर एंड राइट, लेट्स टॉक अबाउट द मिनट हैंड नाउ। मिनट हैंड क्या कर रहा है, मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्री इन वन मिनट, तो हर एक मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा वो, इन वन मिनट इट कवर्स 6 डिग्रीज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नेट ओवरटेक मिनट हैंड कितना कर रहा है, 5.5 डिग्रीज इन वन मिनट। अभी कितना डिफरेंस है बीच में 240 डिग्रीज का, मतलब उसको 240 डिग्रीज कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 240 / 5.5, दैट्स ऑल, ये अपना आंसर है, 240 डिग्रीज कवर करने हैं एक मिनट में, 5.5 करता है तो नेट 240 के लिए 240 / 5.5 = 11/2।
तो ये आ जाएगा 480/11 which is nothing but 43/7/11. तो बच्चों इसका आंसर आ गया बी. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. विच डोमिनो कम्स नेक्स्ट सीक्वेंस. इफ यू वुड सी 6+2 इट्स ऑड. यहाँ पर ऑड है, फिर इवन है, फिर या फिर जैसे देखो सम. यहाँ पर 6+2 इट्स 8, देन वी हैव 7, 6+1 7, देन 5+3 इट्स 8, 5+2 इट्स 7, 4+4 इट्स 8. नेक्स्ट सम कैसा आएगा अपने पास? 7 आना चाहिए, विच इज ओनली ट्रू इन ऑप्शन ए. विच इज ओनली ट्रू इन ऑप्शन ए. नेक्स्ट वन, वाई इज देन ईस्ट ऑफ एक्स. एक्स की ईस्ट में है वाई, and x is in the north of z, that means z aayega south of x pe. If p is in south, further south jana hai to p aayega, to y ke kis direction mein p hai? To p is in southwest, southwest direction mein hai p with respect to y, which is option d. Matlab aapko option n kam jayenge none of these ke liye. Right, next read the following category. Agar aapko ye sara information diya, you just have to substitute one by one for each option. तो इसमें आप चेक करोगे तो जे आप डी आपका सही आंसर आ जाएगा. लेट्स चेक दैट. जे प्लस आई, दैट मींस प्लस का मतलब है सिस्टर. जे इज सिस्टर ऑफ आई. लेट्स मूव फर्दर. आई माइनस एच, माइनस के सन, दैट मींस आई इज सन ऑफ एच. एच इंटू जी, एच इज मदर ऑफ जी, एच इज मदर ऑफ जी. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? जी माइनस एफ. जी माइनस एफ क्या है? एक्स इज सन ऑफ वाई, मतलब जी इज सन ऑफ एफ. तो जी इज सन ऑफ एफ, एच इज मदर ऑफ जी, दैट मींस एच एंड एफ आर हस्बैंड एंड वाइफ. एच और एफ क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए. आई इज सन ऑफ एच, मतलब आई जो है वो एच का बेटा है, मतलब वो एफ का भी बेटा है. And J is sister of, that means J is daughter of F. J is daughter of F, which simply means F is father of J, which is true for this D option, right? This answer is correct. Next, in each of the following questions, four words have been given. If you could see here, यहाँ पे सारे के सारे अलग हैं. सिर्फ एक C हिमालय है जो mountain है, rest are not. उसका आंसर जाएगा सी. नेक्स्ट, अगर इसका मतलब ये, इसका मतलब वैल्यूज पुट करनी है. 15, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई. डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2. डिवाइड, डिवाइड का मतलब है प्लस. 900, प्लस का मतलब है डिवाइड बाय 90. और फिर फाइनली मल्टीप्लाई का मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, सो वील गेट माइनस 100. 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 900 बाय 90 दैट्स 10, माइनस 100. तो 40 माइनस 100 दैट्स माइनस 60. डी माइनस 60 इज द राइट आंसर. फाइंड द मिसिंग नंबर. इफ यू वुड सी 1 इंटू 4 फिर माइनस 2, 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2, ये पैटर्न चल रहा है. 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 माइनस 2 इज 222. इंटू 4 88 माइनस 2 दैट्स 86. फाइन. नेक्स्ट, यहाँ पर आप अगर पैटर्न देखोगे, पैटर्न क्या है? पैटर्न है एबीसी एबीसी, सीबी ए सीबी. तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यहाँ पर इन दोनों में आ जाएगा सी ए, और ए के बाद यहाँ पर सी ए और लास्ट में ए. तो हमारा आंसर आ गया सी ए सी ए, विच इज ऑप्शन ए. लास्ट क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ग्रैंडर इज एन ए आर जी आर यू डी. तो अगर आप देखोगे फर्स्ट फोर लेटर्स का उल्टा कर, जी आर ए एन का उल्टा कर दे, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फोर का उल्टा कर दो, तो पी आर ई एस आ गया. सिमिलरली आखिरी का भी उल्टा करना है, तो ई आर वी ई, तो हमें आ गया प्रिजर्व, पी आर ई एस ई आर वी ई. तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये है डी ऑप्शन. तो दैट्स ऑल वाज देयर इन रैपिड सेक्शन. आई होप सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया हो. डू लेट मी द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी ऑफ दोस, एनी ऑफ दिस टेस्ट और एनीथिंग अबाउट द गोप्रेप, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन पेपर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अभी signing off. Bye bye everyone. I hope you enjoyed this. Take care.